ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कम से कम टाइम में किस तरह से कमाए जाए ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है लेकिन ये जो पूरी बात है पूरी डायनामिक्स है पैसे कमाने की इसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि वॉट इज़ द फास्टेस्ट वे टू मेक मनी फ्रॉम कोर्ट और यहाँ पर कुछ मिसकॉन्सैप्शन को कम करूंगा जो कि मार्केट में फ्लोट हो रही हैं लोगों से बोला जा रहा है यार ये कर लो इतने कमा लो पांच मिनट में उतने कमा लो इतने मिनट में इतने कमा लो मैं आपको रियल एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए आपकी ये बताऊंगा और उसी के साथ साथ पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपकी होनी चाहिए, ठीक है? है? है। है? तो यहां पर एकदम क्या क्या वो blogging है? मैं नहीं, वो blogging नहीं है. क्या वो मैं नहीं, नहीं आप coding करके कुछ ऐसा काम कर सकते हो कि आप ट्रेडिंग में पैसे कमाओ क्या वो इनकम गारंटीड होगी गारंटीड इनकम ट्रेडिंग में बिना बहुत सारा नॉलेज गेन किए नहीं बनती है तो इट्स नॉट द फास्टेस्ट वे टू मेक मनी फ्रॉम कोड इज़ इट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है अच्छी बात है करना चाहिए बट इट्स नॉट द फास्टेस्ट वे टू मेक मनी फ्रॉम कोड बात करते हैं जॉब की जॉब तो नहीं है फ्रीलैंसिंग साइट्स भी नहीं है यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन होता है लोगों को लगता है कि आज फ्रीलैंसिंग साइट्स को ज्वाइन करूँगा कल इतने पैसे लेकर आऊँगा कि रखने की जगह नहीं होगी तो ऐसा नहीं होगा ठीक है यहाँ पर भी आपको जो है एक्सपेक्टेशन अपनी क्लियर रखनी है. कि, यार, पर भी यही होता है कि आप जब जाते हो काम करने तो इनिशियली होता है, उससे लड़ने के लिए आपको बहुत कुछ करना है तो इस पर भी डेडिकेटेडीज के साथ बनाऊंगा बट आज के मुद्दे पर बात करूंगा वॉट इज द फास्टेस्ट वे टू मेक मनी फ्रॉम फास्टेस्ट वे टू मेक मनी फ्रॉम कोड इज कस्टम सॉफ्टवेयर फॉर लोकल बिजनेस कस्टम सॉफ्टवेयर फॉर लोकल बिजनेस क्यों मैंने ये बात कही यहाँ पर आपको कंपटीशन ऑलमोस्ट ज़ीरो मिलता है लेट मी एक्सप्लेन कि यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ क्या करना है कैसे पैसे कमाना है और कितने पैसे कमाना है एक्सपेक्टेशन कितनी रखनी है ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ तो यहाँ पर क्या है कि आप करेंगे क्या कि जो लोकल बिज़नेस हैं जैसे कि आपके आसपास आपके टच में जिससे आप सामान ख़रीदने जाते हैं कोई दुकान हो सकती है कोई शोरूम हो सकता है आपके जानने में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि बिज़नेस कर रहा है उसको कोडिंग का कोई आइडिया नहीं है वो डिजिटल नहीं है ऑनलाइन वो नहीं है आप उसके पास जाएंगे और आप उससे बोलेंगे कि आई कैन हेल्प यू आउट विद दिस दिस थिंग यानी कि अगर आपको लगता है कि आप उसके बिजनेस के वर्क फ्लो में थोड़ा बहुत भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं आप उसको सजेस्ट करेंगे अब अगर आप लोग इस तरह से अप्रोच करेंगे लोकल बिजनेस को कि यार मुझे इतने पैसे चाहिए मुझे बीस हजार रुपए चाहिए मैं ये कर दूंगा तो आपको ना ही सुनने को मिलेगा आपको हाँ सुनने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा तो इस ना को हाँ में कन्वर्ट करने के लिए आपको देना पड़ेगा फ्री ट्रायल लेट मी एक्सप्लेन व्हाट दिस फ्री ट्रायल मींस आप लोग ये टर्म सुनकर घबरा मत जाना कि यार मैं ट्रायल कैसे दे सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। अगर आप सारा का सारा रिस्क सामने वाले के सर पर रख देते हो अपने कोडिंग स्किल्स का रिस्क आप सामने वाले के सर पे रख रहे हो तो डेफिनेटली वो इंसान डर जाएगा उसको लगेगा कि कहीं उसके दस बीस हज़ार रुपये वेस्ट ना हो जाए अगर आप उससे ये कहोगे कि यार मैं ये ये बिज़नेस देने वाला हूँ ये ये साइट बनाने वाला हूँ आपके बिज़नेस के लिए आपको बिज़नेस में और दिलवाने वाला हूँ यानी कि आपकी सेल्स बढ़ाने वाला हूँ या फिर आपकी कन्वीनियंस बनाने वाला हूँ जिससे कि आपका टाइम बचे और आप अपने बिज़नेस को और अच्छे से कर पाएँ इस तरह की बातें अगर आप करेंगे और आप पैसे मांगेंगे डायरेक्टली अप फ्रंट तो आपको नहीं मिलेंगे पैसे क्योंकि सामने वाला भी सोचेगा कि यार अगर ये फेल हो गया आइडिया तो मैं क्या करूंगा तो वो सारा का सारा रिस्क आपको अपने कंधों पर लेना है और आपको देना है फ्री ट्रायल यानी कि आप इनिशियली जब जाएंगे उस इंसान के पास आप उसको क्लियर करेंगे आप कहेंगे कि लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस और आपको कुछ भी पे नहीं करना है सब सारा का सारा खर्चा मेरा अगर आपको फ़ायदा लगा तो डेफिनेटली यू कैन पे मी उसकी बात हम बाद में करेंगे बट फॉर द फर्स्ट मंथ या फिर फर्स्ट टू मंथ्स ये चीज़ आपके लिए एबसोलूटली फ्री है ये एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी है बाय द वे अगर जो कि बड़े बिजनेस जो हैं वो भी लेते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर हम कोई बड़ा बिजनेस नहीं बना रहे हम कोई स्टार्टअप नहीं बना रहे इस ये ये जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मैं ये बोल रहा हूँ अगर आप ये चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हो तो हम कोई बिजनेस नहीं बना रहे स्टार्टअप नहीं बना रहे वी आर जस्ट एग्जीक्यूटिंग दिस स्ट्रैटेजी फास्टेस्ट वे टू मेक मनी फ्रॉम कोड यू नो सम कोड और अब आपको उससे पैसे कमाने हैं ठीक है थीके? तो फ्री ट्रायल जो था वो हमने दिया अब यार देखो आजकल के ज़माने में वैल्यू ऑफ गोइंग डिजिटल हर कोई समझता है कि यार डिजिटल जाने की क्या वैल्यू है अगर कोई भी बिज़नेस कर रहा है बिना इंटरनेट का इस्तेमाल किए बिना सेमी का इस्तेमाल किए मेरे कहने का मतलब है कि जो गैजेट्स होते हैं उनको इस्तेमाल किए बिना आप एक आरडियनो का यूज़ करके कुछ कर सकते हैं आप लोग एक रेसबरी पाई का इस्तेमाल करके कुछ कर सकते हैं बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं देर आर टर्न्स ऑफ पॉसिबिलिटीज आपको करना क्या है कि आप यहाँ पर उस इंसान के पास जाते हैं और उसको बताते हैं उसके बिज़नेस में पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो पेन पॉइंट आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप जाएंगे बिज़नेस के पास आप देखेंगे कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करें एक शॉप की और आप देख रहे हो कि वो इंसान डिलीवरी करता है वो ऑर्डर्स को रिसीव करता है कॉल्स पर और कॉल्स पर बंदे उसको ऑर्डर करते हैं उससे पूछते हैं कि यार क्या ये या आइटम अवेलेबल है वो बंदा कॉल करके वापस बताता है कि यार नहीं ये आइटम अवेलेबल नहीं है या व्हाट्सएप पर वो बता रहा है कि यार ये या आइटम अवेलेबल है वो बोलता है नहीं अवेलेबल नहीं है क्या ये आइटम अवेलेबल है ये कितने रुपये का ये इतने रुपये का मुझे इतना किलो दे दो तो यहाँ पर जो है दोनों लोग जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये इंसान जो है जो बायर है वो इस शॉपकीपर से कह रहा है यार आ, मुझे इतनी चीज़ दे दो कितने की है शॉपकीपर को बार बार अलग अलग लोगों को रिप्लाई करना पड़ रहा है तो अगर हम एक स्टोर सेटअप करते हैं इस शॉप के लिए जो कि ऑनलाइन एनी सेल कर ही रहा है और उससे उसका टाइम बचे उसकी सेल्स बढ़े उसके कस्टमर्स जो कि उससे सामान खरीद रहे हैं उनकी कन्वीनियंस बढ़े इन टर्न लोग उसी के पास आए आपके लोकल बिजनेस की बात हो रही है वी आर नॉट क्रिएटिंग अ बिग बिजनेस हम कोई पैन इंडिया लेवल पर ऑपरेट नहीं करेंगे मैं यहाँ पर कुल मिलाकर ये कह रहा हूँ कि एक छोटी सी जगह पर आपकी लोकल जगह पर आप अगर डिजिटली कुछ डिलीवर कर सकते हो दैन दैट इज़ द फास्टेस्ट वे टू मेक मनी फ्रॉम कोड अब अगर आप लोग मुझसे ये कहते हो कि यार मेरे घर के पास तो कोई दुकान ही नहीं है या आप मुझसे ये कहते हो कि यार मैं तो ऐसी जगह पर रहता हूँ जहाँ पर दूर दूर तक कोई डिजिटल समझता नहीं है तो देर इज़ अ चांस मे बी बहुत कम चांसेस हैं इस चीज़ के बट मे बी ठीक है ऐसा हो सकता है लेकिन अगर हम बात करें फास्टेस्ट वे टू मेक मनी फ्रॉम कोड की तो यही है यार यही तरीका है जिससे कि आप बहुत तेज़ बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा बट इनफ पैसा कमा सकते हैं ठीक है आपको ये सारी चीज़ें बहुत लोग बताएंगे आपको लोग कहेंगे फ्री कर लो फ्री कर लो करोड़ों कमा लो करोड़ों कमा लो नहीं बनते करोड़ों फ्रीलांसिंग से इतनी आसानी से कि यार आज मैंने कोडिंग सीखी कल मैंने करोड़ों कमा लिया मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं बनते मैं बता रहा हूँ दैट्स नॉट द फास्टेस्ट वे टू मेक मनी फ्रॉम कोड तो ये चीज़ कम से कम हमको क्लियर होनी चाहिए हमारा मेच्योरिटी लेवल इतना होना चाहिए कि यार हम क्लियर हैं चीज़ों को लेकर हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट अच्छा है लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर हम डाल रहे हैं अपने पैसे किसी म्यूचुअल फंड में निफ्टी में मैंने इन्वेस्टमेंट पे एक स्टॉक मार्केट पे पूरा वीडियो एक बना रखा है उसको आप देख लेना कभी जाकर बट मैं एक हाई लेवल पर आइडिया दे रहा हूँ किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आप लोग कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और उससे पैसा बनता नहीं है उससे पैसा बढ़ता है और लोन लेकर अगर कोई आपसे कहता है कि यार इन्वेस्टमेंट कर लो ट्रेडिंग कर लो गलती भी मत करना ऐसा करने की ठीक है गलती तक मत करना बिल्कुल कहीं से कहीं तक लोन ले कोई काम नहीं कर रहा है हाई रिस्क काम आप मत करो ऐसा काम मत करो मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिस्क नहीं लेना चाहिए लाइफ में लेकिन ऐसा रिस्क मत लो जो कि आपकी कैपिटल को ख़त्म कर दे आपको बहुत बड़े लोन में डाल दे आपको इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दे कि उससे निकलते निकलते आप परेशान हो जाए ठीक है ऐसा नहीं करना है ठीक है ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग अगेन इज स्लोएस्ट मैं कहूँगा वन ऑफ द स्लोएस्ट बहुत टाइम लगता है एक ब्लॉग को मेच्योर होने में और वो ब्लॉग जब मेच्योर होता है तब हो सकता है कि आपको पता चले कि यार मैं अच्छा लिख ही नहीं रहा था जब आपके एक ब्लॉग को लिखते लिखते दो साल हो जाए मैं ये नहीं कह रहा हूँ ब्लॉगिंग अच्छा नहीं है ब्लॉगिंग भी अच्छा है पर्सनली मैंने करी है और आप भी कर सकते हो बट दैट्स नॉट द फास्टेस्ट फ्रीलैंसिंग साइट्स पर तो एक वीडियो पूरा आने वाला है तो ज़्यादा नहीं बोलूंगा फ्रीलैंसिंग के बारे में फ्री लैंसिंग इज ऑल्सो गुड आप करना कर सकते हो मैं कहूँगा करनी चाहिए बट दैट्स नॉट द फास्टेस्ट वे ठीक है ये फास्टेस्ट वे है अब यहाँ पर PHP को एक शाउट आउट देना चाहूंगा क्योंकि मैं अपनी पर्सनल स्टोरी आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने क्या किया था मैंने अपने कॉलेज में कैसे फ्रीलैंसिंग करके पैसे कमाए थे ठीक है तो मैंने एक लोकल रेस्टोरेंट को जो कि हमारे कॉलेज में कैंटीन थी मैंने उनको अप्रोच किया था और इनफैक्ट मैंने अप्रोच नहीं किया था मैं उनसे बहुत अच्छी तरह से बहुत ही आ, कहते हैं ना दोस्ताना अंदाज के साथ बात करता था और उसी के साथ साथ मैंने देखा कि यार वो कुछ काम ऐसा कर रहे थे जो कि मुझे लगता था डिजिटाइज़ किया जा सकता है तो मैं एग्जैक्टली exactly बताता हूँ आपको वो क्या कर रहे थे उनके पास एक डायरी होती थी वो सबका उस डायरी पर लिखते थे कि आ, किस इंसान ने कितने रुपए का खाया फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने पाँच रुपए की एक चाय खरीदी वहाँ से और हम लोग यूजअली वहाँ पर जाते थे कैंटीन में कुछ ना कुछ खाते थे अगर मैंने एक बर्गर खाया तो मैं अपर पे करूँ बार बार इससे अच्छा मैं क्या करूँ कि लिखवा लूँ और उसके बाद पर मंथ बेसिस पे पे कर दूँ ऐसा ही होता है उस कैंटीन में बहुत सालों से ऐसा होता आ रहा है ठीक है और वहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने उनसे बात करी मैंने कहा अगर हम आपका ये पेपर एलिमिनेट कर दें और आपको एक डिजिटल सॉल्यूशन दे दें और ऐसा डिजिटल सॉल्यूशन दे दें कि आपको सिंपली पंच करना है और जिस बंदे ने खाया उसको एक एस एमएस जाएगा कि भाई आपने इतने रुपए का खाया तो अगर हम ऐसा कर दें तो दोनों साइड से ट्रस्ट आ जाएगा यहाँ पर उनको ट्रस्ट की भी प्रॉब्लम्स हो रही थी लोग साइन करते थे पेपर पर लोगों के लिए इतना बड़ा पेन था कि यार मैंने अगर दस रुपये का कुछ खाया सर मुझे लिटरली साइन करना है भीड़ लगी हुई है लाइनें लग रही हैं साइन करने के लिए अभी यहाँ पर क्या होता है कि मान लो मैंने दस रुपये का खाना खाया ठीक है वो बंदा क्या करेगा अपने यू में वो आज भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना यू सी द पावर ऑफ दिस मतलब मुझे अपने आप पर इतना इतना कॉन्फिडेंस था कि यार मैं उनको एक ऐसी चीज़ दे सकता हूँ जो कि वो लंबे टाइम तक यूज़ करें और आज तक वो यूज़ कर रहे हैं मैंने उनसे बात करी थी फेबररी में एंड दे आर स्टिल यूजिंग एंड दे टोल्ड मी कि हम इसको यूज़ करते रहेंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है कि मैंने उनको एक यू दिया उस यू में यानी कि वेबसाइट दिया यू को मैं वेबसाइट को मैं यू बोल रहा हूँ ठीक है एक यूज़र इंटरफेस दिया एक ऑनलाइन यूज़र इंटरफेस जहाँ पर वो अपने आइटम्स को ऐड कर सकते हैं लोग ऑर्डर कर सकते हैं और उसी के साथ साथ आप लोग जैसे ही कुछ खाते हैं और वो आपका ऑर्डर यहाँ पर सबमिट करते हैं आपके फ़ोन पर जाता है एक एस ठीक है तो ये जो फ़ोन पर आपके एसएमएस जाएगा आपको कुछ इस तरह का एसएमएस आता है कि थैंक्स फॉर ऑर्डरिंग आइटम्स वर्थ दिस दिस इज थैंक यू ठीक है तो आपके पास एसएमएस आके आपने देख लिया कि हाँ एसएमएस आ गया तो इससे लाइन नहीं लगेगी पेन पॉइंट आइडेंटिफाई किया रिमूव किया और जब एक महीना हो गया देन उस टाइम पर मैंने उनको जो बात बोली थी अपना जो प्रॉमिस था मेरा कि यार मैं एक महीने के लिए आपको फ्री में सॉफ्टवेयर को यूज़ करने दूंगा बट आफ्टर दैट यू विल हैव टू पे मी एंड दैट guy पेड मी वेरी वेरी वेल इज ही स्टिल आ फ्रेंड बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं वो और मे भी कभी इस चैनल पर लेकर आएंगे उनको और दिखाएंगे आपको वो सॉफ्टवेयर ठीक है कैसे बनाया था और उसमें बहुत सारी कमियाँ भी हैं आज भी हैं मैं मानता हूँ क्योंकि उस टाइम पर जो कोडिंग मैंने करी थी क्विकली और आज जो मैं सोचता हूँ कि यार ये चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती हैं वो अभी भी उस सॉफ़्टवेयर में हैं बट डैट सॉफ्टवेयर वर्कस उनको कोई शिकायत नहीं है वो आराम से इसको, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और मैंने वो सॉफ्टवेयर यानी कि वेबसाइट पी, पी में बनाई थी तो मेरे हिसाब से पी, पी जो है एक बहुत ही फास्टेस्ट वे है वेबसाइट को बनाने का और मैं कहूँगा कि अगर मैं इस चीज़ के अंदर भी कहूँ कि फास्टेस्ट क्या है तो मुझे पर्सनली लगता है वेबसाइट है पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप एंड्रॉयड ऐप्स में जाते हो तो आपको प्ले स्टोर पर फीस पे करनी पड़ती है फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है लेट्स बी वेरी वेरी रियल क्योंकि आप कस्टम सॉल्यूशंस एंड्रॉयड ऐप में बनाएं विज अ विज आप कस्टम सॉल्यूशंस यहाँ पर बनाए थोड़ा सा तो डिफरेंस है और डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको पी में बहुत ही इजीली बनाने को मिल जाएंगी वो सब चीज़ें बहुत आराम से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपने लोकल लैपटॉप पे बना सकते हो एंड्रॉयड एक हल्के लैपटॉप में एक तो चलता भी नहीं है उसी के साथ साथ होता क्या है कि आप लोग अगर एंड्रॉयड ऐप्स में हो तो आपको जावा सीखनी पड़ेगी फिर उसके एरर्स वगैरह भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो उस चीज़ में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा तो ये काम जो है आप लोग कर सकते हैं एंड दिस इज़ द फास्टेस्ट वे टू मेक मनी फ्रॉम कोड ठीक है कि आप अपने लोकल बिजनेस की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो और सॉल्व करो इनिशियली फ्री दो और अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो वी आर डेवलपर्स यार वी आर कोडर्स हम लोग बिल्कुल डेफिनेटली ये चीज़ कर सकते हैं कि यार हम किसी को फ्री ट्रायल देते हैं होस्टिंग आप अपने पास रखो और डेफिनेटली आप ये इस को चीज़ को एग्री करवाओ दोनों साइड से एग्रीमेंट होना चाहिए आप बिल्कुल भी कोई गलत काम नहीं कर रहे हो यहाँ पर आप उनको बोलो कि यार एक से दो महीने के लिए इट्स गोइंग टू बी फ्री फॉर यू बट आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू चार्ज एंड वी कैन डिस्कस हाउ मच टू चार्ज तो होगा क्या कि जब ये सोल्यूशन उनको उनकी लाइफ में उनके बिजनेस में एक अच्छा इम्पैक्ट देने लग जाएगा तो वो भी इसको खरीदना चाहेंगे इट्स इट विल जस्ट बी लाइक कि अब ये बंदा आपके कोड की वैल्यू को समझेगा पहले नहीं समझता था अगर आप जाओगे डायरेक्टली आप बोलोगे मैं ये बना दूँगा वो बना दूंगा वो, वो बोलेगा नहीं यार पैसे नहीं देना ठीक चल रहा है अपना बट अगर आपने एक चीज़ को यूज़ कर लिया आपको अब पता चली उस चीज़ की वैल्यू इसीलिए लोग फ्री ट्रायल देते हैं इसीलिए ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव ग्रामली और टर्न इट इन और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री ट्रायल देते हैं एक महीने का आप एक महीने के लिए यूज़ कर सकते हो एडोबी के सॉफ़्टवेयर्स का आप लोग को ट्रायल मिलता है तो कुल मिलाकर वो ये कहते हैं कि यार हमारे प्रोडक्ट में दम है आप यूज़ करो आप खरीदोगे ठीक है वो ये बोलते हैं वो कहते हैं कि यार हम एक महीने के लिए देने को तैयार हैं आपको आप यूज़ तो करके देखो आपको मज़ा आएगा आप खुद पैसे दोगे कुल मिला के ये मतलब होता है उस चीज़ का ठीक है सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई अब एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करूँगा कि यार अगर आप फास्ट एंड ईजी मनी बनाते हैं देखो यार ये जो चीज़ मैंने आपको बताई दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ़ास्ट एंड ईजी मनी कि यार आप जल्दी पैसे कमा रहे हो आसानी के साथ कमा रहे हो देखो पी में कोड आप बहुत जल्दी सीख सकते हो मैं तो ये मानता हूँ कि यार पी में वेबसाइट बनाना सिंपल एच टी एम एल सी एस एस या फिर बूट स्टैप या टेलविंड आप लोग अगर यूज़ करो तो दैट बी फास्टेस्ट उसके बाद आप लोग पी में आ रहे हो ठीक है पी को आप लोग आराम से एक महीने के अंदर इतना सीख लोगे कि आप इस तरह के कस्टम सॉल्यूशंस डिलीवर कर पाओ ठीक है सो दिस इज फास्ट एंड इजी वे टू मेक मनी तो ये यहां पर आता है और ऐसे भी तरीके हैं जो कि स्लो एंड डिफिकल्ट तो सुनने में तो ऐसा लगेगा कि यार ये जो फास्ट एंड ईजी वे टू मेक मनी है वो इससे बढ़िया है स्लो वाले से बढ़िया है बट नहीं यार आप फास्ट एंड इजी मनी तो कमा सकते हो आपको बहुत सारे ऐसे तरीके मिलेंगे जो कि फास्ट एंड इजी हैं और ऐसे भी तरीके आपको मिलेंगे स्लो एंड डिफ़िकल्ट है थम्ब ऑफ रूल ये होना चाहिए कि यार फास्ट एंड ईजी मनी कमा लो लेकिन सिर्फ उतनी कमा लो जितनी की आपको ज़रूरत है फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग कॉलेज में हैं मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ऐसा ओपिनियन है कि अगर आपने दस बीस हज़ार रुपये भी कमा लिए कॉलेज में और आप अपनी स्पेंडिंग्स को बहुत सही से करते हो मतलब सिर्फ अपने लिए अपने मैं फालतू खर्चे तो नहीं कहूँगा बट अपने उन खर्चों के लिए जो कि आपको खुश करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप कभी बाहर खाना चाहेंगे कभी आप लोग कुछ ऐसी चीज़ खरीदना चाहेंगे जो कि नेसेसिटी नहीं है बट काइंड ऑफ लग्जरी की तरफ वो चीज़ आती है कभी कभी हमें चाहिए होती हैं इस तरह की चीज़ें तो वो उस तरह की चीज़ों को खरीदने के लिए आपको ये मनी भी ये भी इंपॉर्टेंट होगी आपकी लाइफ में आपको सेटिस्फेक्शन देगी जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत अच्छा होगा ठीक है क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप लोग अच्छा तभी करोगे जब आज की तारीख में आप खुश हो और मेहनत कर रहे हो और जो कर रहे हो उससे खुश हो ठीक है तो फास्ट एंड ईजी मनी इज़ गुड बट नॉट दी बेस्ट और मैं बताता तो दूँ क्यों क्योंकि यार ये आपको शॉर्ट टर्म में तो पैसे ज़रूर दिलवा देगी बट इसकी लिमिट यह है कि ये स्केल नहीं करेगी ठीक है आपने शायद आज दस हज़ार रुपये कमा लिए एक बिजनेस की मदद कर दी मैं इसी तरीके का एग्जाम्पल ले रहा हूँ ये जो मैंने तरीका आपको बताया इसका एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता रहा हूँ शायद आपने एक कस्टम बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया कल आप दूसरी कस्टम बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे लेकिन ज़रा आप मुझे ये बताओ कि आपकी लोकेलिटी में कितने ऐसे कस्टम बिजनेस होंगे जो कि आपको इस तरह का पैसा दिलवा दें मुझे नहीं लगता चार पाँच से ज़्यादा ठीक है देखो एक तरीका मैं बता रहा हूँ उसके साथ साथ उसकी खामियाँ भी बता रहा हूँ ठीक है तो ये मेरा काम है मैं आपको मतलब पूरी पिक्चर दूँगा ये नहीं कहूँगा कि इतने पैसे कमा लो ठीक है तो ऐसा नहीं है कि आप इससे बड़े पैसे कमा सकते हैं जैसे जैसे आप आगे जाएंगे लॉन्ग टर्म में जाएंगे आपकी ज़रूरतें बढ़ेंगी और शायद दस बीस हज़ार रुपये मुझे यहाँ पर जो नंबर है वो नहीं बोलना चाहिए शायद पाँच हज़ार रुपये या शायद दो हज़ार रुपये शायद पचास हज़ार या एक लाख रुपये भी आपके लिए सफिशियंट ना रहे अगर आप उस लाइफ को देख रहे हो अगर आप, आपका विजन बढ़ा है तो ठीक है तो कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूं कि शॉर्ट टर्म में जो पैसे कमाए जाते हैं वो लिमिटेड होते हैं तो ये जो चीज़ होती है ये लिमिटेड होती है और ये जो चीज़ होती है मैं अनलिमिटेड तो नहीं कहूंगा बट इसकी लिमिट नहीं होती है मैं इसको लिमिटलेस बोल सकता हूं ठीक है इसकी लिमिट नहीं है ऐसा नहीं है कि आप दस हजार ही कमाओगे आप बीस हजार ही कमाओगे आप लाख भी कमा सकते हो और आप करोड़ भी कमा सकते हो येस यू हर्ड दैट राइट करोड़ भी कमा सकते हो ठीक है बट यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म में आप कमा सकते हो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आपको मेहनत लगती है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अपनी स्किल्स को चार पाँच साल ऐसा कर लिया कि यार आज से चार पाँच साल के बाद जब आपका प्लेसमेंट हो या फिर आप अगर स्विच भी कर रहे हो कंपनीज़ तो आपकी नॉलेज इतनी है कि यार आपकी डिमांड मार्केट में है ठीक है और आप एक्चुअल में कर पाओ उस चीज़ को जो कि सामने वाला बंदा चाहता है और ऐसे इस चीज़ को करने वाले लोग बहुत कम हो तो आप जैसे लोगों की सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है डेफिनेटली आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा आपका प्राइस ऊपर जाएगा ठीक है तो ये चीज़ें यहाँ पर ये लेस और मोर मैंने बता दिया ये लिमिटेड लिमिटलेस वाली बात हो गई ये पैसे यूजली कम होते हैं ये पैसे ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर आप मेहनत करके पहुंचे हो तो कोई कॉम्पटिशन भी उतना ज़्यादा नहीं होता है तो ये लेस कॉम्पिटेटिव है एक इंसान जिसने दस साल का एक्सपीरियंस गेन करके बहुत सारी कोडिंग सीखी है ट्रेडिंग सीखी है कोड के थ्रू ट्रेडिंग करना सीखा है और उसी के साथ साथ फ्री के गेम को सही से खेलता आ रहा है वो सालों से उसको कोई ऐसा नया इंसान पीछे नहीं कर सकता इतनी आसानी से तो कंपटीशन कम है यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि ये जो तरीका जो मैंने आपको बताया इसी तरीके का एग्जाम्पल ले लेते हैं अगर आप ये ट्राई कर रहे हो तो इज अ तो चांस कि शायद तीन चार लोग और ट्राई कर रहे हो इस तरह की चीज़ें ठीक है बट अगैन दिस विल डेफिनेटली मेक यू मनी अगर आप अपने कार्ड्स को सही से खेलते हैं इफ़ यू प्ले योर कार्ड्स राइट यू आर गोइंग टू मेक मनी ठीक है बट यहाँ पर जो रियालिटी है उस पर मैं बात कर रहा हूँ कॉम्पटिव ज़्यादा है यहाँ लेस कॉम्पटिव है यहाँ रिस्क ज़्यादा है यहाँ ऑलमोस्ट ज़ीरो रिस्क है इसके बारे में बात करूँगा जो शॉर्ट टर्म में आप मनी कमाते हो अगर कोई आपसे कहता है कि यार आप एक लाख कमा सकते हो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप नहीं कमा सकते बट ये जो सख्ते वाला वर्ड है ना ये लोग इसको ना इग्नोर करते हैं और मैं कहूँगा कि इसको सही से नहीं समझते हैं कि यार ये जो सख्ते वाली बात है ये आपकी कैपिटल को डुबा भी सकता है मैं ट्रेडिंग का एग्जाम्पल लूंगा यहाँ पर अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो कोई आपको ये बोलता है कि यार तेरे पास अगर अपने सेविंग्स अकाउंट में डेढ़ लाख रुपए हैं फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपसे ये कहता है कि यार इस डेढ़ लाख रुपए से मैं एक लाख रुपए कमा सकता हूँ तो यूजुअली उस एक लाख रुपए के करस्पॉन्डिंग एक लाख रुपए डूबने की रिस्क भी रहती है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है आपको बताया जाता है कि यार डेढ़ लाख के एक लाख कमा लो और अपनी टोटल कैपिटल को ढाई लाख कर लो कितना अच्छा लगता है सुनने में बट यहाँ पर जो है रिस्क जो है थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर रिस्क ऑलमोस्ट जीरो है क्योंकि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखते सीखते धीरे 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 करके बढ़ा रहे हो अपने पैसों को ठीक है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आता है अगर मैं स्लो एंड डिफ़िकल्ट वे टू मेक मनी की बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा हो गया कि यार अगर आप लोग निफ्टी फिफ्टी में अपने पैसे डालते हो से दो में आप लोग ग्राफ देख लो निफ्टी फिफ्टी का मैंने खैर बात करी है काफ़ी निफ्टी फिफ्टी के बारे में एक दूसरे स्टॉक मार्केट वाले वीडियो में बट यहां पर मैं ओवरऑल आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो स्लो मनी है वो डिफिकल्ट मनी होती है बट रिस्क आपको बहुत कम या ऑलमोस्ट जीरो देकर जाती है अब ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार अगर कोई हार रहा है ये बात बहुत ध्यान से सुनना ट्रेडिंग वाले बंदे ट्रेडिंग के बारे में अगर आपका जो भी ख्याल हो इस, इस बात को बहुत ध्यान से समझो मान लो ये लूजर्स का पूल है जो कि पैसे गवाते हैं ट्रेडिंग में और ये विनर्स का पूल है ट्रेडिंग विनर्स का पूल है तो अगर लेटेस्ट से एक लाख लोग इस ट्रेडिंग के गेम को खेल रहे हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार आधे लोग हारेंगे क्योंकि यार जब कोई पैसा लूज़ करता है तभी कोई पैसा आ, कमाता है ऐसा लगता है ट्रेडिंग में ठीक है तो ट्रेडिंग में ऐसा लगता है कि यार एक लाख अगर कोई मतलब एक लाख लोग खेल रहे हैं तो फिफ्टी के इसमें से हारेंगे फिफ्टी के जीतेंगे और बहुत सारे लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि यार मुझे कम से कम इतना तो पता है कि मैं एक लाख में से उन पचास हज़ार बंदों में तो आता ही हूँ जो कि जीतेंगे ट्रेडिंग के गेम को उनको ये लगता है कि यार मैं कम से कम इतना तो देख के सही दाम पर स्टॉक को खरीद ही लूंगा कि यार वो ऊपर जाए ऐसा आपको लगेगा बट ट्रेडिंग इज नॉट अ ज़ीरो सम गेम ये चीज़ मैं आपका क्लियर कर दूँ ट्रेडिंग इज नॉट अ जीरो सम गेम अब ये जीरो सम गेम क्या होता है मैं यहां पर गेम थ्योरी आपको नहीं पढ़ाऊंगा बट but... गेम थ्योरी के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है ज़ीरो सम गेम का जीरो सम गेम का मतलब ये होता है कि अगर मैं हारूंगा तो आप जीतेंगे आप हारोगे तो मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा तो आप जीतेंगे तो एक जना हारेगा एक जना जीतेगा ये ज़ीरो सम गेम है कि यार अगर मैंने पचास का नोट यहाँ पर रखा आपने भी पचास का नोट यहाँ पर रखा और मैंने सिक्का उछाला मैंने बोला मेरा हेड्स आपका टेल्स तो अगर हेड्स आया तो वो सौ रुपये मेरे हो जाएंगे तो दिस इज़ अ ज़ीरो सम गेम बट ट्रेडिंग इज़ नॉट अ जीरो सम गेम क्योंकि अगर ये ट्रेडिंग का सिस्टम है अगर इसको मैं पूरा सिस्टम मान लूं तो सिस्टम से पैसे आ कैसे रहें लोग डाल रहे हैं ठीक है लोग डाल रहे हैं मान लो इस बंदे ने पैसे डाले इस बंदे ने पैसे डाले बट सिस्टम से पैसे बाहर भी जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ टैक्स ठीक है आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स भरोगे इन द फॉर्म ऑफ सेविंग चार्जेस आप सेवि चार्जेस पे करोगे कोई नहीं बच सकता इससे इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज तो हर ट्रांजैक्शन पर ये पैसे लगते हैं और जितने ट्रांज़ेक्शन्स होते हैं ये पैसे लगते जाते हैं लगते जाते हैं लगते जाते हैं और कुल मिलाकर काफ़ी पैसा ये लोग चूस लेते हैं ठीक है अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत करते हैं ये सारे के सारे पैसे लेकर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन तीनों में से जो भी पैसे लेता है वो गलत करता है बट ये बात समझो कि बहुत सारा पैसा यहां चला जाता है तो जो पैसा आया यानी कि जो पैसा आपने सिस्टम में डाला इस सिस्टम से पैसा बाहर को जा रहा है यहां पर तो इस सिस्टम से पैसे अपने घर लेकर जाना इज नॉट एन टास्क मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई कमाता नहीं है मैंने कमाए हैं बट इट्स नॉट एन ईजी टास्क इस बात की अंडरस्टैंडिंग को रखो ये बहुत जरूरी है ठीक है तो आई होप कि आपको ये वीडियो ओवरऑल अच्छा लगा मैंने थोड़ा यहाँ पर कुछ चीजों को भी क्लियर करा जिसके बारे में बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं बार बार और आई होप कि you have understood what is the fastest way to make money from code and how to execute your strategies. That's all for video video guys. Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.